वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के पहले दिन के ऑक्शन। पवन शरावत रहे सबसे महंगे खिलाड़ी, 2.26 करोड़ में खरीदा तमिल तलाईवास ने। वहीं डिफेंडर में फजल अफराचली को खरीदा पुनेरी पल्टन ने 1.38 करोड़ में। तो ऑलराउंडर में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे परेश भैंसवाल, जिन्हें की 62 लाख में तेलुगु टाइटन ने खरीदा। फजल अफराचली को पुनेरी पल्टन ने 1.38 करोड़ रुपये में खरीदा, जो कि पिछले सीजन में यूमुम्बा की तरफ से खेल रहे थे। वहीं संदीप नरवाल इस बार अनसोल्ड रहे। दीपक निवास हुड्डा को बंगाल वॉरियर्स ने 43 लाख में खरीदा, जो कि लास्ट सीजन में जयपुर पिंक पैंथर की तरफ से खेल रहे थे। रोहित बुलिया को पटना पायरेट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा, जो कि लास्ट सीजन हरियाणा की तरफ से खेल रहे थे। परेश भैंसवाल ऑलराउंडर में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, जिन्हें तेलुगु टाइटन्स ने 62 लाख रुपये में खरीदा, जो कि लास्ट सीजन गुजरात की तरफ से खेल रहे थे। वहीं सुरजीत सिंह 50 लाख की प्राइस में तेलुगु टाइटन ने खरीदा, जो कि लास्ट सीजन तमिल तलाईवास की तरफ से खेल रहे थे। वहीं रेडर में अभिषेक सिंह 60 लाख रुपये में तेलुगु टाइटन ने खरीदा। प्रदीप नरवाल को 90 लाख रुपये में गुजरात टाइटन ने खरीदा, लेकिन यूपी वयोधा ने अपना FTM कार्ड यूज़ करके खिलाड़ी को रिटेन किया। वहीं 81 लाख में सचिन को गुजरात की टीम ने खरीदा, लेकिन पटना पायरेट्स ने भी अपना FTM कार्ड यूज़ किया। विकास कंडोला को 1.70 करोड़ में बेंगलुरु बुल्स ने खरीदा, जो कि लास्ट सीजन हरियाणा की तरफ से खेल रहे थे। वहीं सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी पवन शरावत रहे, जिन्हें की तमिल तलाईवास ने 2.26 करोड़ में खरीदा। अजीत को जयपुर पिंक पैंथर ने 66 लाख में खरीदा, जो कि लास्ट सीजन यूमुम्बा की तरफ से खेल रहे थे। ऐसे ही और स्पोर्ट्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें।